नाजरीन, आज हम आपको दम के पसंदे बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। सबसे पहले हमें इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए होंगे, हमने आधा किलो पसंदे ले लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने फिर पसंदे बना लिए हैं, इसको चपटे और यूँ सीधे कर लिए हैं, देखें, ठीक है। ये आधा किलो इसी तरह मैंने सारे गोश्त को पसंदे की शेप में बना लिया, थोड़ा हल्का सा पुश करके, ठीक है। देन फिर हमें एक पाव दही चाहिए होगा, और फिर हमें एक टेबल स्पून तिल चाहिए होंगे, और ये मैंने खसखस को भिगो के धो लिया है अच्छे से, ठीक है। अदरक लहसुन का एक टेबल स्पून चाहिए होगा, और मसाला हमने ये सीख कबाब का मसाले का मैंने आधा पैकेट लिया है, ठीक है। और बादाम हमें ये मैंने 8-9 बादाम लिए हैं, इनको मैंने भून लिया है अच्छे से, और एक ही टेबल स्पून हमें खोपरा चाहिए होगा, ठीक है। अब नाजरीन, अब इसकी मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन चारों को, खोपरे को, बादाम को, खसखस को और तिल को हमने हल्का सा कूट लेना है, ठीक है। चलिए इन चारों को एक साथ मिक्स करके कूट लेते हैं। अच्छा सा कूट लेंगे। देखिए नाजरीन, ये चारों चीज़ें हमने कूट ली हैं अच्छे से, और इसको अब हम मैरिनेट करते हैं अपने पसंदों में, और ये सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही हम एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का दही इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर सीख कबाब का मसाला डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके पूरी रात के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। लाजमी एक रात के लिए आपको रखना होगा, जिस दिन जब आपको पसंदे बनाने होंगे तो उससे एक दिन पहले आपको मैरिनेशन करके दम वाले पसंदे रखने होंगे। यूनिक रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए नाजरीन, ये हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था, मैंने आपको बताया था जैसे कि ओवरनाइट मैरिनेट करना है। अब क्या करेंगे हम, इस दो हमने प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है, ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और इस ऑयल में मैं ये प्याज फ्राई कर लूँगी, और हल्की फ्राई करके और ये पसंदे डाल देंगे। ये देखिए नाजरीन, अब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, इसके अंदर हम साथ ही ये पसंदे ऐड कर देंगे, और बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ये दही अपना पानी खुद छोड़ेगा, और इसको हम गलाने रखेंगे। इसको हम हल्के आंच पे गलने के लिए रखते हैं, ये अपने ही पानी में गलता रहेगा। नाजरीन, ये गल चुका है पानी में, हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि दम वाले पसंद हैं, इसके अंदर हम कोयले का दम लगाएंगे। प्याज के छिलकों पे भी रख सकते हैं, और फॉइल भी लगा के रख सकते हैं, और हल्का सा इसमें फॉइल छिड़क डाल देंगे, और बस दम पे रख देंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट दम पे रखना है, फिर डिश आउट कर लेना है। ये देखिए नाजरीन, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है दम देने के बाद कोयले का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।